1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय पताका फहराते हुए बांग्लादेश इसको स्वतंत्र कर दिया। इस विजय गाथा को 50 साल पूर्ण होने पर आर्मी के द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल निकाला जा रहा है। नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ ये मशाल मार्च आज कुन्नर नगर स्थित आर्मी कैंटीन पहुंचा, जहां पर सभी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा अधिकारियों व आर्मी जवानों ने इसका स्वागत किया। साथ ही इस वीर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर युद्ध में शामिल रहे कैप्टन नरपत सिंह के साथ ही सेना के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आधुनिक भारत की मिसाल यह युद्ध कहा जा सकता है। इस दौरान सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक देश को स्वतंत्र करवाया और एक मिसाल पेश की गई। देश की ताकत और शौर्य को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मशाल मार्च देश में निकाली जा रही है, जिसमें कि सभी इस युद्ध की गाथा को याद कर सके। अजमेर आर्मी कैंट के साथ यह मशाल विभिन्न जिलों से होते हुए गुजरात से होते हुए देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचेगी। सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारत अब शक्तिशाली देशों में शुमार है और हर परिस्थिति में अपने आप को साबित कर सकता है और किसी भी युद्ध के लिए वह तैयार है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, आप देश के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि तहे दिल से इनका जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच मौजूद अतिथिगणों में दो सेवानिवृत्त अतिथिगण, जिनमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी सेवानिवृत्त, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, बार निदेशक मेयो कॉलेज। आप वर्ष 1975 में सेना की आर्मर्ड कोर में अफसर के रूप में शामिल हुए। आपने लगभग 4 दशकों तक भारतीय सेना में इसका युद्ध जो है वो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, बहुत भयंकर युद्ध था। और उस युद्ध में वहाँ सड़कें वगैरह नहीं थी, सिर्फ जो है पगडंडी टाइप की सीमेंट की बनाई हुई थी, जिसके ऊपर गाड़ी दौड़ सकती है, बाकी सड़क नहीं थी। रात भर जो है हम लोग चलते, दिन में छुप कर रहते। वो एक ऐसा युद्ध हुआ कि विश्व में आज तक किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी जो है जीत नहीं हासिल की। 93,000 जो आर्मी की उनके सैनिक हैं, उनको हम लोगों ने कैदी बनाया। मेरी यूनिट पहली तोपखाना यूनिट थी जो ढाका में पहुंची थी, और सरेंडर के टाइम पर भी हम लोग वहाँ हाजिर। सर, जब सरेंडर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तब उनकी सेना की, देखो ऐसा है, वो जश्न तो था, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई हम वो जो है उत्सव मनाएं। उन लोगों के लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे, कैदियों की लाइन लगी हुई थी, ठीक है, तो कोई उपद्रव हो सकता था और कुछ हो सकता था। इसलिए बड़ी चतुराई के साथ में हमारे सेना नायकों ने जो है ना वहाँ काम किया, और बिना किसी हाव हल्ले के उन लोगों से सरेंडर पे साइन करवाया। कैदियों को वहाँ से धीरे 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 करके इंडिया के अंदर भेज दिया। कैप्टन साहब, आप आर्मी का हिस्सा भी रहे, तो हमारे सैनिक तो उनको वापस यहाँ पर लाए थे। देखो ऐसा है कि एग्रीमेंट की एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये राजनीतिक मसला है, उन्होंने क्या उसके अंदर तय किया क्या नहीं तय किया, और उसके हिसाब से जो हमारे कैदी थे उनको उन्होंने छोड़ा, हमने उनको कैदी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल थी, जिसमें 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो आधुनिक भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन मिसाल है कि जिस तरीके से हमारे फौज ने 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक नए देश को तैयार होने के लिए, उनको आज़ादी दिलाने के लिए हमने कामयाबी हासिल भी की, और एक देश जो पीड़ित था उसको अपना स्वतंत्रता पाने में मदद करी। इस लड़ाई के दौरान लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़े, और अब जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी लड़े, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे बीच ऑनरेरी कैप्टन नरपत सिंह जी हैं, जो कि जमालपुर के लड़ाई में थे, और ढाका में पहुँचने वाले जो हमारी फोर्स थी उनमें से पहले पहुंचने वाली फौज में के दस्ते में से एक थे। तो मुझे बड़ा गर्व होता है एक भूतपूर्व सैनिक होने से कि जो जिस तरीके से देश ने
पूरे देश भर में ये मशाल भेज के लोगों के बीच जो जागरूकता पैदा की है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो मिसाल दिखाई थी अपनी जान बाजी पे लगा के देश का नाम रोशन करने के लिए, और जो परंपराएं उन्होंने हमारे को दिखाई हैं, आज तक मुझे बड़ी खुशी होती है कहने में कि कहीं भी किसी भी लड़ाई में भारत सरकार की जो फौज है कभी ना पीछे हटी है ना अपनी जान न्योछार करने में डरी है। और मेरा जो आज विचार है उन परिवारों की तरफ जाता है जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके पिता ने इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी। वो तो शहीद हो गए लेकिन अपने परिवार के लिए कई समस्या खड़ी हुई हैं, और इन समस्या को झेलते हुए भी आप किसी भी वीर नारी से बात कीजिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं खुशी से एक और बच्चा लड़ाई में देने को तैयार हूँ। तो ये भारत के सैन्य की परंपरा है, इस पे हमें गर्व है जो हम फौज में थे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरे देशवासी इसी गर्व को अपने बीच महसूस करेंगे कि हम भी इस देश के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारी फौज हमारे लिए कर रही है वो हमारे सुविधा, हमारे सेफ्टी के लिए कर रही है, और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो इनके परिवार हैं उनकी हम अच्छी तरह देखें। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।